असलकुम क्लास आई होप यू विल बी फाइन एट यूर होम एंड टेकिंग लैक्चर्स ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट प्रॉपरली इन दिस लेसन चैप्टर नंबर नाइन वी विल स्टार्ट टूडे फ्रॉम दी पैराग्राफ नंबर थ्री आ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क मेरी एक नर्स आती मेरे करीब आई रहीला वट आर यू डूंग और कहा राहिला तुम क्या कर रही हो फाइटिंग हारी हुई जंग से लड़ रही हो आई वॉज्ड मुझे दुख हुआ. कहते हैं, अपसेट होना, होना या डिस दुख हुआ एट फर्स्ट टू हियर अलिक मेकिंग होपलेस कमेंट कुलते हैं साथी को इसका सीनानियम्स होगा वर्कमेट या फेलो वर्कर होपलेस कहते हैं मायूसाना डिसक्रेजिंग या डिस्प्रेट कमेंट कहते हैं तबसरा करना रिमार्क या स्टेटमेंट देना इसका बामवरा तर्जुमा बनेगा एक अपने साथी को मायूसाना तबसरा करते हुए सुनकर पहले तो मुझे दुख हुआ देन आई रिप्लाइड फिर मैंने जवाब दिया आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस हर सिस्टर्स वॉइस आल्सो प्रोसेस कहते हैं काम करना वर्क या मैनेज हैंडल और डील विद ये इसके सिनोनियम्स हैं फिर मैंने कहा मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसका जहन अपनी बहन की आवाज़ पर काम करे आल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट डूइंग माय बेस्ट कहते हैं अपनी पूरी कोशिश करना टू इंश्योर इंश्योर कहते हैं यकीनी बनाना मेक श्योर sure या कंफर्म दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज प्रॉपर कहते हैं मुनासिब इसका सिनोनियम होगा सूटेबल या अप्रोप्राइट वाम हमारा इसका तर्जुमा बनेगा और मैं ये भी यकीनी बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसके बाज़ू और टांगों की मुनासिब मुनासिबरजिशें होती रहें दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक ए नॉर्मल पर्सन नॉर्मल नॉर्मल पर्सन कहा जाता है हेल्दी पर्सन या फ़िट पर्सन एक सिंपल आदमी की तरह इसका तर्जुमा होगा शायद ये उसे एक बाशूर या ज़ीशर आदमी की तरह चलने में मदद करे सम टाइम ऐसे होता है एक्सर हादसे के दौरान इंसान जब अपनी दिमागी चो, कोई चोट लगती है तो वो अपना ज़हनी तोज़ुन खो बैठता है या उसको कुछ सुनाई नहीं देता लेकिन जब उसके कोई करीबी रिश्तेदार वालदे या उसकी बहन भाई वगैरह उनको करीब लाकर उससे बातें करवाई जाएं तो उसका दिमाग फौरी जो है ना उनकी आवाज़ को पहचान रहा होता है और उसके अंदर थोड़ी सी हरकत आ रही होती है तो यही कंडीशन सेम यहाँ पर एक पेशेंट की है जो उसकी सिस्टर को बुलवा कर उससे बातें करवाने की कोशिश करती है और वो यही उम्मीद होती है उसकी कि ये एक जी शोर आदमी की तरह चलने में मदद दे मेन वाइल इसी दौरान आ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉकड इन वॉकड इन अंदर आना इसी दौरान अदायगी फ़र्ज पर मामूर एक बड़ा डॉक्टर अंदर आया सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी जो अपने फर्ज पर थे अपने ड्यूटी पर थे वॉकड इन चलते हुए अंदर आए ही गेव मी एन आयरनिक स्माइल आयरनिक स्माइल कहा जाता है तंजिया मुस्कुराहट देना इसको मोकिंग कहते हैं या स... रिडिक्यूलिंग कहा जाता है तंज़न मुस्कुराना या तंजन कोई गुफगु करना एंड सेड और कहा और वो मुझ पर तंज़िया मुस्कराया और कहा इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सिस टू अटेंड टू अदर पेशेंट्स इफ यू स्पेंड अगर तुम सर्व करोगी अपना ज़्यादातर वक्त एक ही मरीज़ा पर तो दूसरे मरीज़ों पर तवज्जो देने के लिए हमें और नर्सों को भर्ती करना पड़ेगा रिक्रूटमेंट कहा जाता है भर्ती करना अपॉइंट करना एम्प्लॉय मोर नर्सिस टू अटेंड अटेंड कहते हैं तवज्जो देना या लुक आफ्टर, लुक आफ्टर के लिए मज़ीद नर्सें हमें भर्ती करना होंगी प्लीज़ गो एंड सी अदर प्ला अदर पेशेंट्स मेहरबानी करके जाइए और दूसरे मरीज़ों को देखिए वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर हमें इस लड़की के बारे में ज़्यादा उम्मीद नहीं है मीन्स कि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है ये रिकवर नहीं कर पाएगी आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी दोबारा चल सकेगी आई वासट अपसेट कहते हैं परेशान को डिस्टर्ब को या डिसपॉइंटेड को या डिसप्लीज को आई वास अपसेट मैं बो खिला गई मैं परेशान थी द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड एडवाइस कहते हैं मशवरा काउंसिल या डायरेक्शन टू टू लीव कहते हैं छोड़ देना डिजर्ट या डिस्कार्ड डेजर्ट या डिस्कार्ड अनअटेंडेड कहते हैं बगैर तवज्जो दिए इग्नोर्ड याबेंडेंड डिड नॉट सी राइट मरीजा को तवज्जो दिए बगैर छोड़ देने का मशवरा ठीक ना लगा आई न्यू दैट शी हैड मेजर डैमेज आई न्यू मैं जानती थी दैट शी हैड कि वो झील चुकी है सफर्ड कहते हैं झीलना बर्दाश्त करना इसका सिनोनियम होगा Met with या अंडरवेंट कि वो झील चुकी थी फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज एक बड़ी एसाबी नुकसान मैं जानती थी कि वो एक बड़ा एसाबी नुकसान झील चुकी है बट शी नीडिड टू बी गिवन अ चांस मगर उसे एक मौका दिए जाने की जरूरत थी डैमेज कहते हैं नुकसान को इंटीरियर वॉइस इंटीरियर वॉइस कहा जाता है इंसान के ज़मीर की आवाज़ कौन कंसाइंस या इनर सेंस जो इंसान का हर जमीर हर इंसान का ज़मीर उसके साथ होता है जो उसको एक अंदरूनी आवाज़ देता है समवेयर किसी हद तक विद इन मी स्पोक मुझसे बोला मेरे अंदर कहीं ज़मीर की आवाज़ बोल पड़ी ट्राई वंस फॉर हर इस लड़की के लिए एक बार कोशिश करो I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this to help this patient and work with her more closely. मैं बड़ी नर्स के पास गई सीनियर नर्स बड़ी नर्स के पास गई और उसे बताया कि मैं इस मरीजा की मदद करना चाहती हूँ और इस पर ज्यादा तवज्जो से काम करना चाहती हूँ. The senior nurse looked at me with utter surprise. utter कहते हैं मुकम्मल कंप्लीट टोटल सरप्राइज कहते हैं हैरानी एस्टॉनिशमेंट या अमेजमेंट या वर एंड रिमार्कड और कहा रिमार्क कहते हैं कहना से और स्पीक दैट शी हैड ऑर्डर्स फ्रॉम द डॉक्टर के उसको डॉक्टर्स की तरफ से ऑर्डर मिला है डॉक्टर इंचार्ज डॉक्टर इंचार्ज की तरफ से हुक्म मिला है टू शिफ्ट हर टू जनरल वार्ड कि उसको शिफ्ट मुंतकिल कर दिया जाए मूव कर दिया जाए ट्रांसफ़र कर दिया जाए टू जनरल वार्ड जनरल वार्ड की तरफ इसका बावरा तर्जुमा बनेगा बड़ी नर्स ने मुझे, मुझे मुकम्मल हैरानी से देखा और कहा कि मुझे इंचार्ज डॉक्टर से हुक्म मिला है कि मैं उसे जनरल वार्ड में भेज दूँ द डॉक्टर्स थाट दैट शी वाज होपलेस होपलेस कहते हैं मायूस कुन को या बियॉन्ड रेमेडी या लॉस्ट को केस एंड दी बेड मस्ट बी स्पेयर्ड स्पेयर्ड कहते हैं ख़ाली करना सेव या कीप एम्प्टी फॉर अदर पेशेंट्स दूसरे मरीजों के लिए डॉक्टरों का ख़्याल है कि इस लड़की की सूरत हाल मायूसकुन है और बिस्तर दूसरे मरीजों के लिए ख़ाली किया जाना चाहिए आई वा शोकड मुझे दुख हुआ टू हेयर दिस ये सुनकर मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे ये सुनकर दुख हुआ दी पेशेंट्स फैमिली आल्सो रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प दैम फाइट द केस हेल्प दैम फाइट द केस मरीजा के ख़ानदान ने मुझसे दरख्वास्त की सूरत हाल से नबर्द आजमा निपटने के लिए मैं उनकी मदद करूँ सम थिंग नीडिड टू बी डन कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत थी आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल ओन हर आउन मैं अपनी मरीजा को एक हारी हुई जंग खुद लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई कैरियर रिस्क कहते हैं दाव पर लगाना इन डेंजर या पुट एट रिस्क कैरियर कहते हैं फ्यूचर को जॉब को प्रोफेशन को एंड हेल्प देशेंट मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी मुलाजमत दाव पर लगा दूँगी और इस मरीज़ा की मदद करूँगी आई रिक्वेस्टेड दी सीनियर डॉक्टर्स टू अलाउ मी टू अटेंड अटेंड कहते हैं निगहदाश्त करना टू दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट मैंने बड़े डॉक्टरों से दरख्वास्त की कि वो मुझे इस जवान बेबस मरीज़ा की निगहदाश्त करने की इजाज़त दें समाओ किसी हद तक आई वॉज एबल टू मेक पेशेंट स्टे इन दी आई सी यू स्टे कहते हैं ठहराना मैं मरीज़ा को इंतहाई नगेदास के शोबे में ठहराने में कामयाब हो गई तो आज तक के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है और इस इंशाल्लाह आप ये होमवर्क भी करेंगे अल्लाह हाफिज़